ट्रेंडिंग शो कुंडली भाग्य में अभी बहुत गर्म माहौल चल रहा है और बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में सृष्टि उन घटनाओं के बारे में बात करती हैं जो अब तक हुई हैं। वो उन सारी बातों के लिए करण को जिम्मेदार ठहराती है। कुंडली भाग्य के पिछले एपिसोड में यह दिखाया गया है कि करण शादी को रोकने के लिए आग लगाने की साजिश करता है और वो पृथ्वी के कमरे में जाता है, लेकिन जब वो पृथ्वी के कमरे में जाता है और पृथ्वी को बेहोश देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। पृथ्वी को बचाने के लिए वो होटल की रूम सर्विस को फोन करता है और वो उनसे पृथ्वी बनकर बात करता है। इस बीच शर्लिन पृथ्वी के कमरे में छुपी होती है और छुपकर करण को देखती है और उसकी बातें भी सुनती है। करण भी कमरे के अंदर छिप जाता है और इसके बाद वो सभी जगह पर कैरोसिन फेंकता है और आग लगा देता है, जिससे पूरी जगह धुएं से भर जाती है और लोग जगह को खाली करने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ जानकी को बचाते हुए ऋषभ ने अपनी जान खतरे में डाल दी। इस बीच शर्ला को छाती में दर्द होता है। जानकी दूसरे लोगों को भागने में मदद करती है। शर्लिन भागने के लिए भी हंगामे का मौका लेती है। कुंडली भाग के आने वाले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि करण इस बात पर क्रोधित हो जाता है कि कानूनी नोटिस के कारण उसे प्रीता से शादी करनी है। इस बीच सृष्टि और शैमी के बीच पूरी घटना के बारे में चर्चा हुई और उन्होंने प्रीता की शादी को रोकने के लिए करण पर शक किया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वेब 23 न्यूज रूम से अंजलि की रिपोर्ट।